अगर आप भी एक चमकता हुआ चेहरा पाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की है। हम देखते हैं कि चिलचिलाती धूप, धूल और प्रदूषण के कारण जो त्वचा होती है वो अपना असली निखार खो देती है, और त्वचा के निखार खोने के बाद तो सुंदरता भी कहीं गुम सी हो जाती है। तो ये अपने आप में एक बेहद दर्द देने वाली चीज़ है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें लगाने से हम अपनी जो फेस है उसकी चमक को वापस ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल रात को सोने से पहले करना है। अगर आपको ग्लोइंग स्किन और सुंदरता लानी है वापस तो ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। स्किप करके देखने से कुछ चीज़ें आपसे मिस भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है इसका हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है हल्दी, और एक चम्मच हल्दी को हम कच्चे दूध में भिगाकर दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे हमें अपने पूरे फेस पर लगाना है। लगाने के लिए आप एक कॉटन बॉल का इस्तेमाल कर सकती हैं। आप इसे टोनर की तरह लगाएं और इसे बिस्तर में जैसे आप जाते हैं तो इसे अच्छे से सूखने दें, और उसके बाद थोड़ी देर बाद अपने नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लें। हल्दी वाले दूध में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। यह मुहासों को भी ठीक करता है। तो पहला तो हो गया ये, और अब हमें दूसरा लेना है। तो दूसरे आप फेस पैक के रूप में दूसरा हमें लेना है एलोवेरा जेल, और इसे आपको फ्रेश वाला लेना है। जो पैक वाला आता है वो वाला हमें नहीं लेना है। तो आप इसे सीधे अपने फेस पर लगा सकते हैं, और इसको लगाने के बाद 1 से 2 मिनट तक अपने चेहरे को अच्छे से मसाज करें ताकि जो फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाए। जिन लोगों को कोई क्रीम सूट नहीं करती है वो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा में विटामिन और फॉलिक एसिड होता है जो आपके चेहरे को नई खूबसूरती देता है। इससे आपकी जो स्किन होती है वो बहुत ही ग्लो करती है। तो अब हम तीसरा लेंगे। तीसरा जो है हमारा फेस पैक वो है खीरा। तो सबसे पहले आप आधे खीरे का रस निकाल लें और इसे एक कॉटन बॉल की मदद से अपने फेस पे लगा सकती हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि खीरा एक ऐसी चीज़ है जो न केवल आपके शरीर के लिए बल्कि आपकी त्वचा के लिए भी एक सुपर फूड है। खीरे का रस जो होता है वह त्वचा पर ठंडा असर होता है। इससे न केवल जो त्वचा के जल स्तर को बढ़ाता है बल्कि जो फेस पे जो सूजन होती है वो भी कम करता है। तो ये सभी चीज़ें हमारे फेस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। ये एक नेचुरल चीज़ें हैं, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। तो ये इससे आपके चेहरे को अगर कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होएगा तो नुकसान भी नहीं होगा। तो वैसे फ़ायदा ही फ़ायदा है, इससे नुकसान नहीं होता है। और सभी के चेहरे पे जो ये जो फेस पैक बताए हैं वो सूट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।